हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमनदीप आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर थर्ड, जो राजस्थान का इतिहास है वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टी। तो देखिए, जो राजस्थान का इतिहास है उसमें दो ही मेजर डायनेस्टी हैं, और बहुत सारी हैं लेकिन दो ही हैं मेजर डायनेस्टी। एक तो है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़। पहला कौन सा है? मेवाड़, और दूसरा है मारवाड़। देखिए, अगर हम मेवाड़ की बात करें, ठीक है, मेवाड़ की बात करें, तो अगर मेवाड़ का जो हिस्सा है वो किस तरफ आता है, ठीक है, जो राजस्थान का, जो अगर हम मैप देखें, देखिए हम छोटा सा राजस्थान बनाते हैं, जैसे राजस्थान का थोड़ा एक छोटा सा मैप बनाएं इस तरीके से, एक रफली हम देखें, तो जो दक्षिण का इलाका है राजस्थान का, वहाँ पर मेवाड़ जो रियासत थी, मेवाड़ रियासत वहाँ पर थी, और जो पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पर मारवाड़ रियासत थी, ठीक है। तो मेवाड़ रियासत में आपके सिलेबस में ये भी है कि कौन कौन से वंश हुए, ये सारे 1000 से लेकर 1800 तक है, ये सारे वंश हुए, ठीक है। उसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वंश हुए हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं, ठीक है, ये सब विशेषताएँ, सब उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, ये सब चीज़ें हमें किस में पढ़ना है, मेवाड़ में और मारवाड़ दोनों में, इनमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे रियासतें भी थी यहाँ पर, लेकिन जो बड़ी रियासतों की अगर हम बात करें तो है, पहला है मारवाड़ और दूसरा है, पहला है मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़। ये दोनों ही रियासतें महत्वपूर्ण रियासतें थी, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत। देखिए, मेवाड़ रियासत का मैंने आपको स्थिति बता दी। इस समय जो वर्तमान समय में जो स्थिति है इसकी, वो है अगर हम देखें तो उदयपुर, राजसमंद, ये सारे जिले हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले क्या था, मेवाड़ एक तरह से अलग से देश था, रियासत थी, इसके अलग अपने कानून थे, इसकी व्यवस्थाएं अलग थी, ठीक है। इस समय हम जो देख रहे हैं कि भारत एक एकत्रित, मतलब पूरा संगठित राज्य है, संगठित देश है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र, ये सारे हैं। लेकिन उस समय की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मेवाड़ एक तरह से अलग से रियासत थी, अलग देश था, मारवाड़ अलग से देश था, ठीक है। तो ये जो अब आज के सिनेरियो में हम देखें, जो मेवाड़ डायनेस्टी है आज के सिनेरियो में देखें, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इसके आसपास ये रियासत थी। देखिए, उस समय क्या होता था, जितने भी राजा युद्ध करते थे उनका देखो ये समय जो है युद्धों का समय है, तो राजा क्या करते थे, विस्तार करते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, ये अपनी डायनेस्टी को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे इस समय। तो हम उन्हीं को हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो हमारा ये आ जाएगा कि इन इलाकों पर, जो वर्तमान में जो इलाके हैं राजस्थान के, जो ज़िले हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इन इलाकों के आसपास ये मेवाड़ रियासत थी, ठीक है, प्राचीन काल में। अगर हम मेवाड़ का प्राचीन नाम देखें तो मेवाड़ को प्राचीन में क्या कहा जाता था, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो है मेदवाट, इसको प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, मेदवाट और प्रागवाट, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या है, मेदवाट और प्रागवाट है। अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे एक शासक हुआ था गुहिल, गुहिल वंश इसने चलाया था, इसे गुहादित्य भी कहते हैं। तो मेवाड़ का अगर आपसे पूछे तो पहला जो वंश है वो कौन सा है, गुहिल वंश है, सबसे प्राचीन वंश जो है गुहिल वंश है। इसकी संस्थापक कौन था, स्वयं गुहिल थे, ठीक है। इनको गुहादित्य भी कहा जाता है, गुहादित्य के नाम से भी आ जाता है, माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो गुफा में हुआ था, इसलिए इनको गुहादित्य कहा जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ का हमारा पहला जो वंश हुआ गुहिल वंश हुआ, संस्थापक कौन हुए, गुहिल हुए, ठीक है। अब देखिए, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, एक अभिलेख है सामोली अभिलेख,
सामोली अभिलेख। ये शिलादित्य का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? शिलादित्य का। देखिए जो ये सामोली अभिलेख है, शिलादित्य का अभिलेख है, इसमें ये शिलादित्य ने स्वयं को पांचवा वंशज बताया है। क्या बताया है इसने? कि मैं गुहिल वंश का पांचवा वंशज हूं। किसने बताया है? शिलादित्य ने। और अगर हम इसके समय की बात करें तो ये हमें मिला है अभिलेख 646 ईस्वी से। ठीक है, 646 ईस्वी से हमें ये सामोली अभिलेख मिला है। इसका मतलब है कि ये पांचवा वंशज है, तो इससे पहले के राजा कौन हुए थे, इनका भी नाम इसमें इस अभिलेख में जो दिया गया है। ठीक है, ये 646 है। अब देखिए, अब इसका समय हमें मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम इसका समय अगर 646 से काउंट करें तो आगे के जो चार राजा हैं वो 20-20 साल भी अगर राज्य करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए, जो इसके बाद है, गुहिल के बाद एक राजा हुए थे नाग, फिर भोज, महेंद्र, फिर ये शिलादित्य है, ये पांचवें नंबर पे है। पहले नंबर पे तो गुहिल आ गए। ठीक है, गुहिल आ गया तो इसका हम मान लेते हैं 566 मिलता है। इसका जो समय मिलता है 566 ईस्वी मिलता है। ठीक है, और इसका हमें मिलता है 586। अगर हम 20 साल का अंतराल हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 20 साल ये, इसमें 20 साल जोड़े तो 606 ईस्वी का बनता है ये, और ये बनता है 626 ईस्वी का, और इसमें 20 साल जोड़ते हैं तो देखिए 646 ईस्वी आ जाता है। इस तरह हमें समय की जानकारी मिलती है कि गुहिल का समय है 566 ईस्वी रहा होगा, 566 ईस्वी में ये रहे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सामोली अभिलेख जो है, जो सामोली अभिलेख है वो, उससे जानकारी मिलती है मेवाड़ का जो प्राचीन वंश है उसकी जानकारी हमें सामोली अभिलेख से मिलती है। किसका अभिलेख है? शिलादित्य का अभिलेख है। ठीक है, इसके बाद में जो एक और राजा हुए, इसके बाद के देखो, दे बप्पा रावल, इसके बाद के जो राजा हुए वो हुए बप्पा रावल। ठीक है, देखिए माना जाता है कि बप्पा रावल जो थे ये नागदा में रहते थे। ये नागदा, ये उदयपुर के आसपास, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास है ये मेवाड़ रियासत। ठीक है, अभी वर्तमान में ये नागदा उदयपुर के आसपास है ये वाला इलाका। ठीक है, तो नागदा जो है वहां पर रहते थे, एक ऋषि थे, ऋषि हरित की ये गायों को चराते थे। बप्पा रावल के विषय में यही जानकारी मिलती है कि एक ऋषि थे, यहाँ ऋषि भी रहते थे नागदा में, और ऋषि का नाम है ऋषि हरित। ठीक है, वो उनकी गायों को चराते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि ने इनको वरदान या आशीर्वाद दिया, इनको एक वरदान दिया कि तुम चित्तौड़ पर अधिकार करोगे और तुम्हारा चित्तौड़ पर शासन होगा। तो बप्पा रावल को लगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई सेना ही नहीं है, मैं कैसे चित्तौड़ पर अधिकार कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए उस समय क्या हुआ, उस समय का अगर हमें आप सिनेरियो बताऊं तो 712 ईस्वी के आसपास अगर हम चलते हैं, तो उस समय यहाँ पर भारत में क्या है, जब छोटा सा हम भारत बनाएं, देखिए रफली हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो इस क्षेत्र है, ये पश्चिमी जो इलाका है, यहाँ से क्या हो रहे थे उस समय, आक्रमण हो रहे थे। कैसे? अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण उस समय हो रहे थे। देखिए 712 ईस्वी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक अरबी आक्रमणकारी था, उसने आक्रमण किया सबसे प्रथम।
आपने गजनवी का नाम भी सुना था होगा, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास वो आक्रमण करता है, ठीक है, गुजरात पर और फिर चित्तौड़ पर, मतलब ये सब इलाके आसपास ही हैं, ठीक है, इधर की तरफ से। पश्चिम का हमारा जो राजस्थान है पश्चिम में ही आता है, तो इस पश्चिम की तरफ से ही क्या हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसे अगर प्राचीन काल, इससे भी प्राचीन की बात करें तो कुषाण आक्रमण, हूण आक्रमण भी हुए, ठीक है, ये सारी विदेशी जातियाँ थी। तो अरबी आक्रमण हो रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद तुर्की आक्रमण भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़ में एक राजा है, इनको वरदान दिया था ऋषि हरित ने कि चित्तौड़ पर क्या करेगा, चित्तौड़ पर अधिकार या चित्तौड़ पर शासन, ठीक है। इस समय हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको ये कहानी बता दी कि यहाँ पर अरबी आक्रमण हो रहे हैं, तुर्की आक्रमण हो रहे हैं और राजस्थान भी पश्चिमी प्रदेश है, ठीक है, उस समय का। तो चित्तौड़ का एक राजा था मान मौर्य, उस समय ठीक है, इसी समय बप्पा रावल भी है यहाँ पर। तो चित्तौड़ के राजा के जो मंत्री हैं वो बप्पा रावल के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा राजा इन आक्रमणों को नहीं रोक पा रहा है, बहुत बार आक्रमण हो जा रहे हैं और हमारा जो राजा है इन आक्रमणों को रोकने में असमर्थ है, ठीक है, तो आप हमारे साथ चलिए, चित्तौड़ चलिए आप हमारे साथ और इन आक्रमणों को आप रोकिए, हमने आपके विषय में सुना है, ठीक है। तो अब बप्पा रावल को ये जो इन्होंने वरदान दिया था ऋषि हरित ने, तो ये फलीभूत होता नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि बिना एक सेना के और किस तरह से ये चित्तौड़ पर अधिकार करता। तो इन मंत्रियों की सहायता से क्या होता है, ये चित्तौड़ का जो राजा है उस समय मान मौर्य है, उस पर क्या करता है ये मतलब अधिकार कर लेता है, आक्रमण करता है और अधिकार करता है। तो ये चित्तौड़ पर आक्रमण, अधिकार करता है, क्लियर हो गया आपको कि ये चित्तौड़ पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, और राजा मानमोरे को हरा देता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, बप्पा रावल का अधिकार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि ये जो राज, इस पर अधिकार तो कर लिया चित्तौड़ पर, लेकिन ये अपनी राजधानी किसको बनाए रखता है, नागदा को। राजधानी तो कौन सी रहती है, नागदा, राजधानी तो नागदा ही रहती है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर ये क्या करता है, नागदा में क्या करते हैं, बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जाता है, ठीक है। तो नागदा में ही ये क्या बनाते हैं, एकलिंग जी का मंदिर बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रख। आप पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, नागदा में है, और कहाँ पर बनाया गया, और कहाँ पर बनाया गया, नागदा में, और कौन सा मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये बोलते थे एकलिंग जी का मंदिर किसका मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर है ये शिव मंदिर। एकलिंग किसको कहा जाता है, शिव जी को ही कहा जाता है एकलिंग जी, ठीक है। तो ये शिव मंदिर यहाँ पर बनाया जाता है किनके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इनके द्वारा एक और चीज की जाती है, यहाँ पर महत्वपूर्ण, इनके द्वारा ये एकलिंग जी को, अपने आप को ये एकलिंग जी के दीवान कहते थे, स्वयं को ये क्या कहते थे, एकलिंग के दीवान, कि हम राजा नहीं हैं, हम तो एकलिंग के क्या हैं, दीवान हैं, एकलिंग जी के हम क्या हैं, दीवान हैं। स्वयं को देखिए, अब राजस्थान की हम बात करें तो अगर हम जयपुर की बात करते हैं या आमेर के जो कछवाहा शासकों की बात करें तो वो स्वयं को बोलने ही बोलते थे राजा, वो बोलते थे कि हमारे जो इष्ट, जो उन इष्ट को क्या बोला करते थे, वो राजा बोला करते थे। अगर हम पूछें कि कछवाहा अपने आप को राजा ने बोल के, वो बोलते थे कि हम तो गोविंद देव जी हैं, उनके क्या हैं, दीवान हैं, हम उनके लिए काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से बप्पा रावल क्या कहते थे, हम एकलिंग जी के दीवान हैं। देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अपने आप को एकलिंग जी के दीवान किस वंश के राजा कहा करते थे, तो ये बप्पा रावल थे ये कहा करते। तो इसी, इनके सारा जो वंश आगे तक जो पीढ़ियाँ हैं वो भी स्वयं को क्या
कहा करती थी, एक लिंग का दीवान ही कहा करती थी। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया कि बप्पा रावल जो थे, देखिए बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था ना, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। ये रावल जो है ना, एक तरह से उपाधि थी, टाइटल था, ये इनका टाइटल था। बप्पा भी एक तरह से टाइटल है रावल। देखिए जो बप्पा जो है ये गुजरात से आया है। देखिए जो बप्पा या बापू बोला जाता है, देखिए गांधी जी को बापू बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं था उस समय बापू की उपाधि थी कि वो यहाँ वृद्ध थे, वृद्ध व्यक्ति को नहीं दिया जाता, बापू उस सम्मानीय व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, सम्मानीय व्यक्ति को बोला जाता है गुजरात में। ठीक है, तो बापू से ये बप्पा बप्पा करके चला आया है, और रावल भी इन्होंने अपनी एक टाइटल लिया था, उपाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, इसलिए इनको बप्पा रावल नाम, इनका नाम किसे जाना जाता है इनको, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था इनका वास्तविक नाम। ठीक है, तो ये ऋषि हरित के जो गाय को चराते थे, इन्होंने क्या किया, इनको वरदान दिया ऋषि हरित ने। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे कि ऐसे कौन से राजा को हरित ऋषि ने वरदान दिया था जिसके बाद उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो ये हरित ऋषि थे, आपको ध्यान रखना ये चीज़। और कौन से राजा को हरा के बने थे ये, ठीक है, तो कौन से राजा है, मानमौर्य, राजा मानमौर्य को हरा के किस पर अधिकार किया था, चित्तौड़ पर। और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे बनाया था, नागदा में बनाया था, और स्वयं को ये क्या कहते थे, एकलिंग जी के दीवान कहा करते थे। एकलिंग जी शिव जी का मंदिर है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कौन से समय की बात है, ये 734 ईस्वी की बात है जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, 734 में ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बाद में जो दूसरा राजा है आता है हमारा अलहट। दूसरा राजा है अलहट। इस राजा को आलू रावल भी बोला जाता है। देखो रावल यहां पर देखिए उपाधि मैंने आपको पहले बता दिया, इससे आलू रावल भी बोला जाता है। देखिए आलू रावल इसको इसलिए बोला जाता है, शायद ये इनके बचपन का नाम हो, ये जब बचपन में होंगे तो आलू की तरह गोल मटोल होंगे, इस तरीके से काफ़ी हष्ट पुष्ट होंगे, इसलिए इनको आलू रावल बोला जाता होगा। ठीक है, अलहट जो है इनके विषय में आता है कि इन्होंने आहड़, ये आहड़ भी एक जगह है उदयपुर के आसपास, आहड़ को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया। इन्होंने क्या किया, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्या किया इन्होंने, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन सी है, नागदा ही है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। किसका निर्माण कराया इन्होंने, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। देखिए वराह मंदिर किसका मंदिर है, यह है विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। और देखिए बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर बनवाया था, नागदा में, ये कहाँ बनवाया है, आहड़ में बनवाया है। और बप्पा रावल ने कहाँ बनवाया था, नागदा में बनवाया था, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, ये विष्णु जी का मंदिर है। देखो जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो सारे वैसे शिव भक्त थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने विष्णु के मंदिर नहीं बनवाए। ठीक है, तो ये आहड़ में इन्होंने वराह का मंदिर बनवाया, जो विष्णु का, विष्णु के जो अवतार हैं, वराह है, मत्स्य है, ठीक है, वो सारे अवतार हैं, उसमें से वराह भी एक तरह से अवतार है। ठीक है, विष्णु का मंदिर आप सब जानते होंगे इसको। ठीक है, आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर बनवाया। देखिए आहड़ में जो इन्होंने वराह मंदिर बनवाया है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। ये उदयपुर में एक शिव मंदिर है, उदयपुर में एक शिव मंदिर है, वहां पर एक प्रशस्ति रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि अलहट ने आहड़ में एक वराह मंदिर बनवाया था। ठीक है, जो इसके बाद अभी ये नहीं है, नष्ट हो चुका है, लेकिन आहड़ में इन्होंने एक वराह मंदिर बनवाया था, तो इसकी जानकारी हमें सारणेश्वर मंदिर से मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है, जो कहाँ पर है, उदयपुर में एक शिव मंदिर है। ठीक है, देखिए शिव मंदिर है, लेकिन वराह जो मंदिर की जानकारी यहाँ आपको दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने एक काम और किया, एक राजकुमारी का नाम आता है हरिया देवी,
देखिए हरिया देवी से विवाह। हम इसको ये विशेष क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हरिया देवी जो थी ये हुण राजकुमारी थी। देखिए मैंने आपको बताया कि हुण जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है। हमारे जो भारत की विशेषता है, चाहे मुस्लिम आ जाए चाहे कोई से भी विदेशी लोग आ जाए, हमारी जो सभ्यता उनको मतलब मिला लेती है अपने में, हमारी जो संस्कृति ऐसी है कि वो यहीं मतलब मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलहट का विवाह हुण राजकुमारी से हुआ था, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ हुण, क्योंकि यहाँ के नहीं थे, हुण की राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह हुआ, और हरिया देवी ने एक हर्षपुर नाम से एक नगर भी बसाया था। हर्षपुर नाम से एक गांव था, ठीक है, उस समय गांव ही हुआ करते थे, तो एक गांव बसाया था, नगर बसाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम पूछे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य वंश का जो राजा था उसने किया था, यवन राजकुमारी हेलना के साथ किया था। तो राजस्थान की बात करें तो हरिया देवी के साथ किसने विवाह किया था, अलहट ने विवाह किया था, ठीक है। इसके बारे में इतना ही आता है, इनके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। हाँ एक बार और है इनमें, इन्होंने नौकरशाही को शुरू किया। देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम नौकरशाही को शुरू करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे, तो कौन है, अलहट थे। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, जैसे IAS हो गए, वर्तमान में देखें RS हो गए, ये सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो नौकरशाही को जन्म देने वाले कौन थे, अलहट थे। इन्होंने नौकरशाही को मतलब अपने जो साम्राज्य, अपने जो राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति इन्होंने प्रारंभ करना स्टार्ट किया। अब देखिए इसके बाद में जो एक राजा आते हैं वो हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह इस समय इनका हमें समय मिल जाता है, आगे का हमें समय नहीं दिखाई देता, ठीक है। देखो जेत्र सिंह के समय मैंने आपको बताया था कि भारत है, ठीक है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, और राजस्थान इस तरफ है, पश्चिम की तरफ राजस्थान है। तो इनके समय में एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भूताला का युद्ध किस किसके युद्ध मध्य हुआ। तो दिल्ली में यहाँ पर एक सुल्तान है इल्तुतमिश। जब इनका समय है तो दिल्ली में कौन है, इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश वर्सेस जेत्र सिंह, इनका युद्ध होता है 1227 ईस्वी में, जिसे कहा गया भूताला का युद्ध, ठीक है। तो भूताला का युद्ध होता है इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य होता है 1227 ईस्वी में, ठीक है। तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया जाता है, नागदा पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, नागदा पर आक्रमण किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो इल्तुतमिश की सेना हार जाती है और उसको मतलब जेत्र सिंह की जो सेना है वो भगाती है उसके पीछे, मतलब वो आगे आगे भागते हैं, वो पीछे मतलब बहुत भागती है वो, कौन सी सेना, जो इल्तुतमिश की सेना, और भागते हुए क्या करती है, वो नागदा को लूटती है। नागदा को क्या करती है, लूटती है। इल्तुतमिश की सेना मतलब हार जाती है, लेकिन भागते भागते क्या करती है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो भी उनका सामान है, जो भी वहाँ की जो फसलें उनको ख़राब करके इस तरीके से चली जाती है। तो नागदा जो है इस समय नष्ट हो जाता है,
नागदा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कौन से युद्ध में नागदा नष्ट हो जाता है? भूताला के युद्ध में, जो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य हुआ 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश कहाँ पर है? दिल्ली का सुल्तान है इस समय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी सल्तनत काल आ चुका है। आपने मोहम्मद गौरी का नाम तो सुना होगा, मोहम्मद गौरी के बाद में उसका एक गुलाम होता है ऐबक, ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, वो यहाँ पर राजा बनता है। मैंने आपको बताया कि सारे यहाँ से आक्रमण हो रहे हैं, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, हम आगे पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है और इसके बाद में यहाँ पर भारत में तुर्क राज्य, मतलब तुर्क जो शासन है वो स्थापित हो जाता है, मोहम्मद गौरी वो कर लेता है, मतलब तराइन का युद्ध जो होता है वो आपको हम जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इल्तुतमिश इस समय राजा है और इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश की बहुत बुरी हार होती है, उसकी सेना को यहाँ से भागना पड़ता है और भागती हुई सेना क्या करती है, नागदा को लूटती है, नागदा को तहस नहस कर देती है, नागदा को खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जो जेत्र सिंह होता है वो राजधानी यहाँ से ट्रांसफर कर लेता है, तो राजधानी किसको बनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ को। इसी कारण राजधानी किसको बनाया जाता है, चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़, आपको पता है चित्तौड़ का जो किला है वो काफ़ी मजबूत है, तो उसने सोचा कि अब ऐसे कोई भी हमारी राजधानी को लूट के चला जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, स्वाभाविक बात नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारी राजधानी कुछ ऊँचे ऊँचे ऐसे जगह पर बसाएँ कि जहाँ अगर कोई आक्रमण भी करे तो आसानी से आक्रमण ना कर पाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया, किसने, जेत्र सिंह ने, ठीक है। देखिए आगे जो राजा आता है वो है रतन सिंह, देखिए रतन सिंह का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, 1302 से 1303 के मध्य में। रतन सिंह आपसे आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आपके सिलेबस में है भी रतन सिंह के बारे में। तो रतन सिंह जो है ये 1302 से 1303 में, मतलब जेत्र सिंह के बाद, उसके समय का नहीं मिलता इतना राजाओं के नाम, जो महत्वपूर्ण राजा ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो रतन सिंह आते हैं। तो रतन सिंह का कब है काल, 1302 से 1303। आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, तो दिल्ली का जो सुल्तान बनता है खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है रतन सिंह के समय में। ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है इस समय, रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। आपने पद्मिनी का नाम तो सुना होगा, अभी एक मूवी भी आई है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 में चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, क्योंकि चित्तौड़ में ही है राजधानी, तो चित्तौड़ के किले पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कब करता है, 1303 में। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो है आपको स्पेशली दिया हुआ है आपके जो सिलेबस है कि ये राजपूत और मुस्लिम जो है विरोध के बारे में आपको दिया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है 1303 में, जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रतन सिंह की हार होती है। इसमें क्या होती है, रतन सिंह की हार। देखिए यहाँ पर एक गोरा और बादल दो सेनापति हैं, आपसे पेपर में पूछा जाएगा गोरा और बादल कौन थे, किससे संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो गोरा और बादल सेनापति मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है, रतन सिंह की यह हार होती है। तो आपने नाम सुना होगा जौहर, केसरिया, साका, तो यहां पर चित्तौड़ का पहला साका होता है, चित्तौड़ का साका। देखिए साका का मतलब यहां यह है कि जब ये हार जाते थे, जब उनको पता लगता था कि हम अब ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो जौहर जो होता था वो तो करती थी महिलाएं, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा केसरिया, जौहर प्लस केसरिया को मिला के क्या कहा जाता है, साका। देखिए केसरिया पुरुष करते हैं और जौहर कौन करते हैं,
महिलाएं करती हैं, ठीक है, जौहर महिलाएं करती हैं। ये क्या करती हैं आप, जो सती, मतलब जैसे सती होता है, मतलब ये आग में अपने आप को मतलब प्राण मतलब दे देते थे, ठीक है। तो ये जौहर तो हो गया स्त्रियों द्वारा करना, और केसरिया क्या होता है, ये कि जलती हुई ज्वाला में मतलब अग्नि में ये अपने आप को समाहित कर लेते थे, क्योंकि अब उनको पता लग गया था कि हम अलाउद्दीन खिलजी से इतनी बड़ी सेना है, हम नहीं जीत सकते। तो रतन सिंह के साथ बहुत सारे पुरुष भी चित्तौड़गढ़ में मारे गए थे, मतलब उन्होंने जौहर केसरिया किया था। और पद्मिनी जो थी रानी इनकी, आपने नाम सुना होगा पद्मिनी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसमें इनकी जानकारी मिलती है पद्मिनी की। तो उनके साथ मिलकर 1600 रानियां थी यहाँ पे, 1600 जो स्त्रियां थी, रानियां ही थी, ठीक है, उन्होंने इनके साथ जो मिलकर अग्नि में समाहित हो गई थी, ठीक है। तो ये चित्तौड़ का पहला साका माना जाएगा इस समय। तो इस समय यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो आक्रमण किया, इसका बहुत सामरिक महत्व भी है, क्योंकि देखिए इसको मालवा, यहाँ पर एक जगह थी, अगर इसको मालवा जाना है, मालवा उस समय काफ़ी एक तरह से उपजाऊ प्रदेश था, अगर उसको मालवा को लेना है तो मेवाड़ से होकर जाना पड़ेगा, अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे, और अगर इसको गुजरात की तरफ भी जाना है तो मेवाड़ से होकर ही जाना पड़ेगा। तो मेवाड़ को जीतना या चित्तौड़गढ़ का किला जीतना भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया था। कहा जाता है कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहानियों में लिखा है, लेकिन जो इसका महत्वाकांक्षा थी, जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, उसको बल ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत ग्रंथ है उनका, उसमें इनकी जानकारी दी। इसके अलावा किसी ने, ये जो घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ऐसा आक्रमण किया, ऐसा वर्णन और किसी इतिहासकार ने नहीं दिया। सारे यही बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और ये मालवा और गुजरात पर अधिकार करना चाहता था, उस पर कंट्रोल रखना चाहता था, क्योंकि उस समय क्या था, मालवा क्या है, अच्छा दोआब मतलब क्षेत्र था, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, तो उसको अगर ये अपने कब्जे में करता तो क्या होता, वहाँ पे टैक्स, देखो जहाँ पर भी अच्छी उपजाऊ भूमि होती है तो वहाँ से टैक्स इजीली हम ले सकते हैं, और वहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी इसको क्या होता है, लाभ होता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को पर आक्रमण किया, और इसकी दूसरा है कि साम्राज्यवादी नीति भी, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसमें पद्मिनी के विषय में बताते हैं, और पद्मिनी के विषय में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। और एक बोला जाता है कि राघव चेतन नाम का कोई मंत्री था रतन सिंह का, उनके कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी को मतलब उनकी सुंदरता के बारे में, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में विषय में बताया, और वो उसको देखना चाहते, तो इस कारण भी ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको यही याद रखना है कि बस मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था, और पद्मिनी के बारे में उसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए इनके इस युद्ध में क्या क्या हुआ, इस युद्ध में जब इसको जीत लिया गया तो एक खिज्र खां, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो जीत लिया, तब क्या हुआ, खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसको यहाँ पर मतलब जो इसका शासन है मतलब चित्तौड़गढ़ में बिठा दिया, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया, इसी के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर ही क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। अगर हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 1311 में, 1309 में जब चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर भी आक्रमण किया, हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो जालौर पर भी आक्रमण किया 1311 में। यहाँ के एक राजा थे कानड़ देव सोनगरा, ठीक है। तो इस पर जब आक्रमण किया, इन्होंने भी केसरिया कर लिया, लेकिन इसका एक भाई था मालदेव सोनगरा, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि किसी मतलब बच निकलते हैं तो इनको ये जिंदा पकड़ लेते हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मालदेव सोनाग्रह को जिंदा पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा करो कि अब हम आपको मारेंगे नहीं, क्या करेंगे आप ऐसा कीजिए कि चित्तौड़ पर आप अपना अधिकार कर लीजिए, चित्तौड़ पर आप रह लीजिए, चित्तौड़ पर क्या करो आप अपना अधिकार कर लो, ठीक है। तो मतलब चित्तौड़गढ़ हम आपको देंगे, आप हमारे अंडर में रहिएगा। खिज्रखां क्या था, खिज्रखां जो था वो चित्तौड़गढ़ में नहीं रहना चाहता था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, वो अपने ही मतलब अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहना चाहता था। ये 1311 के समय में दिया, देखो 1303 में तो यहाँ अब तक रहे, 1303 से लेके 1311 तक तो खिज्रखां यहाँ पर ही रहे, चित्तौड़गढ़ में ही रहा। लेकिन जब जालौर को जीत लिया तो मालदेव सोनाग्रह था जो कान्हड़ देव सोनगरा का जो भाई था उसको क्या कर लेते हैं, ये कब्जे में कर लेते हैं और ये कहते हैं कि तू हमारे अंडर में रहना और हम तुझे चित्तौड़गढ़ दे देंगे, उसकी जो संभाल है आप उसकी जिम्मेदारी संभाल लेना, ठीक है। किसको कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है सोनाग्रह को, जो सोनगरा को, मालदेव सोनाग्रह सोनगरा को। और फिर ये खिलजी है जो खिज्रखां है ये पुनः कहाँ लौट जाता है, दिल्ली में लौट जाता है, ठीक है। और खिज्रखां यहाँ पर क्या करता है, गंभीरी नदी है यहाँ पर चित्तौड़ में, गंभीरी नदी वहां पर एक पुल भी बनाता है, गंभीरी नदी के पास में क्या बनाता है, एक पुल बनवाता है, गंभीरी नदी पे पुल बनाता है। और एक काम और करता है, यहाँ पर मकबरा भी बनाता है, चित्तौड़गढ़ में एक मकबरे का निर्माण भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में यहाँ पर आक्रमण किया, 1303 में आक्रमण किया और यहाँ पर गोरा और बादल दो सेनापति मारे गए। देखो गोरा और बादल का संबंध किस से है, तो पूछा जाएगा रतन सिंह से, मालदेव से, ऐसे राणा कुंभा से, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो ध्यान रखिए कि गोरा और बादल दो सेनापति थे, वो यहाँ मारे गए थे इस अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर, आप चित्तौड़गढ़ से संबंध है इनका, ठीक है। रणथंभौर से पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो गोरा और बादल, ठीक है। ये इन्होंने एक नाम आता है हेमचंद्र सूरी, उन्होंने एक गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल री चौपाई नाम से एक इन पे ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी किताब लिखी है, पद्मावत ग्रंथ लिखा है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, पद्मिनी का वर्णन किया गया है। खिज्रखां यहाँ पर अधिकार कर लेता है, खिज्रखां जो अलाउद्दीन का पुत्र है वो इसको मतलब ये वाला पूरा शासन दे देता है चित्तौड़गढ़ का, और उसको नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, खिज्राबाद इसका नाम कर दिया जाता है। खिज्रखां द्वारा गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाता है और एक मकबरे का निर्माण कराया जाता है। इसके बाद 1311 के समय में ये जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रदेश है, चित्तौड़गढ़ जो है किसको दे दिया जाता है, चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनगरा को यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट राजा कौन सा है, नेक्स्ट राजा है हमीर, नेक्स्ट राजा जो है हमीर है, ठीक है। हमीर देव के समय में क्या होता है, देखिए एक देखिए नेक्स्ट जो राजा है वो है हमीर। हमीर देव के समय में एक मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर। मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर में सिगोली का युद्ध होता है, सिगोली का युद्ध, ठीक है। इनके मध्य में एक सिगोली का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसको ये हमीर देव हरा देता है। मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है,
हार होती है इसमें, ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? सिगोली का युद्ध, ये ध्यान रखना है। छोटे छोटे युद्ध है ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी के समय में देखो हमीर देव को कहा जाता है कि इसने सिसोदिया वंश, आपने पढ़ा होगा रावल सिसोदिया, आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा, तो सिसोदिया वंश की स्थापना है कि जो की थी, सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीर ने की थी। देखिए ये सिसोदा गांव से आया था, कौन से गांव से आया था? सिसोदा ग्राम से। देखिए सिसोदा ग्राम से आने के कारण ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। देखिए इससे रतन सिंह के बाद मैं आपको समय नहीं बताया, इसमें क्या हुआ कि शेम सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, इनको दो भागों में बांट दिया, एक तो राणा और एक रावल, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जो रावल शाखा का अगर रावल शाखा का अंतिम अगर पूछे कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, वो था रतन सिंह। अब देखिए इस वंश का तो अंत हो गया, अब राणा जो है शाखा होती है, इसमें से होता है हमीर, ठीक है। लक्ष्मण सिंह का पुत्र होता है ये, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो जो राणा शाखा का है, जो शेम सिंह के पुत्र है, वो एक को अलग गांव दे देता है और एक को दूसरा अलग गांव देता है। देखिए इनके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। तो हमीर जो है ये सिसोदा गांव से आया था, इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा? हमीर कहलाएगा। और इसके समय में एक युद्ध होता है सिगोली का युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हमीर देव का युद्ध होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, ये है हमीर देव। इसके बाद में आता है, एक नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, राणा लाखा। अब देखिए राणा सब चलेंगे, अब राणा टाइटल चलेगा, पहले कौन सा टाइटल चल रहा था? रावल, अब देखिए राणा चलेगा, राणा लाखा। देखिए राणा लाखा के समय में, देखो राणा लाखा ने इतना सब कुछ नहीं किया, राणा लाखा के समय में एक चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई थी, जावर की खान। जावर है, जावर एक जगह है उदयपुर में, वहां पे चांदी की खान, अब यहां हम क्यों पढ़ रहे हैं चांदी की खान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अगर यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ में या हम मेवाड़ की रियासत की जो हम बात कर रहे हैं, तो जावर की खान यहाँ पर मिल गई है, तो यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? लाभ होगा कि चांदी यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर तो इनकी चांदी चांदी हो गई एक तरह से। तो हम इसलिए ये चीज़ को पढ़ रहे हैं कि जावर में जो राणा लाखा के समय में चांदी की खान मिली थी, ठीक है। इसके समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का? पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला एक गांव था उस समय, तो इसी से ये पिछोला झील का नाम दे दिया गया, ठीक है। उस समय गांव ही हुआ करते थे। तो बंजारे, देखिए यहाँ पे बंजारे कौन होते थे, पूछ लिया जाता है कि बंजारे कौन थे? बंजारे घुमंतू व्यापारी थे, इनके पास बहुत अधिक पैसा होता था, क्योंकि घूम घूम कर ये क्या करते थे? व्यापार किया करते थे, अपनी गाड़ियों को ले जाते थे, फिर अपना सामान बेचते थे और एक जगह रुक जाते थे, वहाँ 15 दिन रुक गए, फिर आगे व्यापार किया, आगे बढ़ गए, तो ये घूम घूम कर व्यापार करते थे। तो ध्यान रखना आप, इनको घुमंतू व्यापारी भी बोलते हैं, इनको घुमंतू व्यापारी। आजकल तो कहीं भी चले जाते हैं ना गाड़ी को लेके, जैसे आजकल आपको गाड़ियां भी देखेंगे, बहुत सारे फूड ट्रक्स भी मिलते हैं उस तरीके से, लेकिन हाँ उस समय जो बंजारे हुआ थे अपना व्यापार कैसे करते थे? घूम घूम कर व्यापार किया करते थे। अब इस व्यापारी ने क्या किया, एक तरह से व्यापारी हो गया, तो अब सोचोगे कि बंजारों के पास बहुत अधिक पैसा होता था, तो वो उन पैसों को अच्छे जगह पर यूज़ करना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि लोगों की जो जल की आपूर्ति हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखिएगा कि एक बंजारे ने राणा लाखा के समय में, राणा लाखा ने नहीं किया, बंजारे ने किया था, पिछोला झील का निर्माण किया। देखिए हम अगर देखें तो बहुत सारी धर्मशालाएं वगैरह जो अब जितने भी जो अब हम देखते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल दूं कि आजकल तो आपने प्याऊ का नाम सुना होगा कि लोग कुछ दान पुण्य भी करते हैं, बहुत सारे सेठ होते हैं, सेठ
फलाना फलाना का प्याऊ इस तरीके से। तो अब भी अब नहीं है, लेकिन अब तो हम बिस्लरी का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले जो क्या होता था, प्याऊ पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले इतना यातायात भी नहीं होता था, लोगों को एक जगह रुकना पड़ता था, उनको हर व्यवस्था देनी पड़ती थी। जैसे धर्मशालाओं का निर्माण भी बहुत सारे सेठों ने व्यापारियों ने कराया उस समय, ठीक है। तो ये सब बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण यहाँ पर करवाया, और यहाँ पर नटनी का, इसी झील पर नटनी का चबूतरा, इसी झील पर एक नटनी का चबूतरा। देखो, पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो एक नटनी थी वो पिछोला झील को पार नहीं कर पाई, तो वो उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद में इसका नटनी का, नट क्या होते हैं, जो रस्सी पर चलते हैं, वो जो खेल दिखाते हैं, उनको नट बोला जाता है। और नट की जो पत्नियाँ होती, स्त्री होगी, वो नटनी कहलाएगी। तो इसका चबूतरा यहाँ पर बना हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, इनका विवाह हुआ राणा लाखा का सामा बूंदी की रानी से। बूंदी की रानी, देखो बूंदी के राजाओं को क्या कहा जाता था, हांडा। तो अगर बूंदी की रानी हुई तो हांडी रानी हो गई। ठीक है, हांडी रानी से विवाह हुआ। ठीक है, बूंदी की हांडी रानी से विवाह हुआ। तब जब ये हांडी रानी जब चित्तौड़ में आती है, तो लाखा जी इनसे पूछते हैं कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा, ठीक है। तो हाँ, ये बोलती हैं कि बूंदी से अच्छा नहीं है, ठीक है, किला तो बूंदी का ही बहुत अच्छा है। तो वो उनको फिर पूछता है कि सच आप बताइए, सही सही बताइए, कौन सा अच्छा है, बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है। तो बोलती है कि नहीं, बूंदी ही अच्छा है। हाँ, आपका भी चित्तौड़ भी अच्छा है, लेकिन बूंदी ही सबसे अच्छा है। अब जो राणा लाखा जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है कि चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ ही सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रही है मेरी रानी। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि अब ऐसा करते हैं कि हम इस किले को ही जीत लेते हैं। तो लाखा जी क्या करने लगे, सब अपने जो जितने भी सेना वगैरह थे उसको तैयार किया कि हम अब बूंदी पर अधिकार करेंगे, क्योंकि बूंदी को ये बोल रही है कि ये ज़्यादा अच्छे, तो हम उस चीज़ को हम ले लेंगे। तो इस समय ऐसा हुआ करता था, राजा इस तरह के हुआ करते थे, एक छोटी सी बात को लेके युद्ध कर लिया करते थे, उस समय ऐसा हुआ करता था। तो बूंदी की जो रानी थी उसके कहने पर, लेकिन ये कहती कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कह रही, आपका चित्तौड़ ही बहुत अच्छा है बूंदी से। लेकिन वो उसके दिल में लग जाती है बात, किसके, राणा लाखा के। तो फिर क्या होता है, वो बूंदी के लिए मतलब आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है। अभी इनका विवाह हुआ है, तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब सारे जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं, राणा लाखा को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अपने ससुराल में इस तरीके से आक्रमण मत कीजिए, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा, संबंध खराब हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ठीक है, अब एक जो मंत्री थे या एक पुरोहित थे, उन्होंने एक उनको योजना दी, आप ऐसे कीजिए, हम आपके लिए एक किला बनवा देते हैं, बूंदी का तरह एक किला बनवा देते हैं, कमरा बनवा देते हैं, एक जगह बनवा देते हैं, आप उसको ढा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि राणा लाखा ने बोला था कि अगर जब तक मैं बूंदी पर अधिकार नहीं कर लूँगा, तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। इन्होंने एक तरह से कसम खाई थी। इसी कारण क्या हुआ कि अब ये कसम को तोड़ने के लिए बूंदी पर अधिकार करना तो अनिवार्य हो गया। तो उन्होंने इस कसम का जो इन्होंने लिए था, जो प्रण लिया था, उसका एक तोड़ निकाला पुरोहित जी ने। तो ऐसा करते हैं, हम आपके चित्तौड़गढ़ के बाहर ही थोड़ा आपके लिए एक बूंदी का नकली बूंदी बना देते हैं, मतलब एक बूंदी का नकली किला बना देते हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर हांडी रानी के साथ, जैसे देखो उस समय क्या होता था कि जो भी बहन भाई या लोग जाते थे, जब भी विवाह होता था, एक जो सेविका के रूप में भी दासी भी भेज जाती थी, और कुछ लोग भी जाते थे। तो यहाँ पर हांडी रानी का जो एक भाई था, कुंभा हांडा था, वो क्या करता है कि जब ये नकली बूंदी जो बनाया होता है चित्तौड़गढ़ में इन्होंने, तो उसको चित्तौड़गढ़ के पास में, तो जब उसको ढाने के लिए जाते हैं राणा लाखा, तो कुंभा हांडा जो है वो इसका विरोध करते हैं। तो वो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपने चाहे जो भी प्रण लिया हो, चाहे हमारा बूंदी नकली हो और असली हो, जब तक हांडा जीवित है, हमारी चाहे नकली बूंदी हो चाहे असली, उसको हमारे मतलब जब तक हम जिंदा हैं, हमारी मृत्यु के बाद ही आप प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु तक नहीं प्राप्त कर सकते हम, तक जब तक हम जीवित हैं प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुंभा हांडा को मारकर
तो इन्होंने क्या किया, अब कुंभा हांडा को मारना ही था यहाँ पे, तो कुंभा हांडा जो थे उनको मारकर नकली बूंदी पर अधिकार किया। तो ध्यान रखिएगा नकली बूंदी क्या है, नकली बूंदी पर अधिकार। ठीक है, तो इस समय कुंभा हांडा ने मतलब अपनी जान दी और नकली बूंदी को इन्होंने गिरा दिया और फिर उसके बाद में इनका प्रण टूट गया। ठीक है, इस तरीके से एक कहानी आती है। इसी के समय एक और कहानी आती है, एक और चीज़ है। मैंने आपको बताया था एक रियासत है मेवाड़, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं राणा लाखा, राणा लाखा की बात चल रही है। राणा लाखा पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको एक दूसरी रियासत बताई थी मारवाड़, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी समय की घटना है कि मारवाड़ का इस समय राणा चूंडा है, ठीक है, राजा। जब राणा लाखा का समय है उस समय वहां पे कौन है, राणा चूंडा, अपन बाद में पढ़ेंगे, राव चूंडा, सॉरी। राव चूंडा, यहाँ पर राव चुंडा है, ठीक है। अब राव चुंडा के एक पुत्री है हंसाबाई और एक पुत्र है रणमल, ठीक है, और इसका एक पुत्र है, राणा लाखा का पुत्र है राणा चुंडा। ध्यान दीजिएगा, राणा चुंडा यहाँ पर इस समय राजा है यहाँ पे, और ये क्या है, राजकुमार है या युवराज है। राजा कौन है, राणा लाखा है, ठीक है। अब यहाँ की एक घटना होती है, देखिए, एक हंसाबाई के लिए जो है राव चूंडा है वो एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं अपने अपनी बेटी के लिए। तो उनको पता चलता है कि जो राणा चूंडा है, ठीक है, वो अविवाहित हैं, तो क्या करते हैं कि अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो लेके जाते हैं इनके पास, ठीक है। हंसाबाई का जो रिश्ता करना है, विवाह का जो क्या बोलते हैं उस समय, क्या लेके जाते थे, नारियल लेके जाते थे, ठीक है, शुभ विवाह मतलब शुभ, नारियल को शुभ माना जाता है। तो यहाँ से जो पुरोहित है वो जाते हैं मेवाड़ में एक नारियल लेके। जब नारियल लेके वो उपस्थित होते हैं वहाँ पर, तो जो राणा लाखा का जो स्वभाव अगर आप बताएं तो वो थोड़ा अफीम वगैरह खाते थे, या मतलब इस तरीके की, मतलब वो काफ़ी हसमुख प्रवृत्ति के भी थे और मतलब उन्होंने अफीम वगैरह खाई होती। तो जैसे वो लेके पहुँचते हैं तो वो दरबार चल रहा होता है, इस तरह की घटना होती है, दरबार चल रहा होता है, तो राणा लाखा को बोलते हैं ये नारियल है आपके लिए, ठीक है। तो बोले कि इस समय मेरा विवाह, मेरे लिए कौन रिश्ता लेके आ गया, क्योंकि इस समय ये बहुत मतलब बुजुर्ग हैं, तो मतलब मुझ बुढ़े को कौन देगा, मुझ बुढ़े के साथ कौन विवाह करने आ रहा है। तो इस तरीके से सारी जो लोग होते हैं दरबार, क्या होता है, वो हंसने लग जाते हैं राणा लाखा पर, कि राणा लाखा ऐसा कैसे सोच सकते हैं अपने विषय में, जब राणा जो ये राणा चूंडा जिंदा है तो राणा लाखा ऐसे कैसे सोच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चूंडा है उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे जो पिता का जो इस तरीके से उपहास कर रही है जो जनता है जो बैठे हुए हैं, तो राणा लाखा ने इतना ऐसा कह दिया है। तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप जो पुरोहित जी होते हैं, जो पुरोहित लेके आते हैं विवाह का रिश्ता, तो वो बोलता है, चूंडा बोलता है कि ये रिश्ता तो हम, चूंडा को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो आपके लिए नहीं, ये तो चूंडा के लिए हम रिश्ता लेके आए हैं, ठीक है। तो वो पुरोहित को चूंडा जी कहते हैं कि नहीं, अब आपकी जो राजकुमारी है उसका विवाह तो अगर करना है तो मैं विवाह नहीं करूँगा, राणा लाखा जो मेरे पिता हैं आप उनके साथ कर दीजिए, ठीक है। वो बाहर आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा संभव है, वो कहते हैं कि ठीक है, वो वापस जाते हैं, ठीक है, वो वापस पुरोहित जी जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम आपकी आपके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर इन दोनों का विवाह होगा, राणा लाखा का और हंसाबाई का अगर विवाह होता है, तो उनके जो पुत्र पैदा होगा, उनकी जो संतान होगी, वो ही अगली मतलब जो राजा बनेगी, राणा बनेगी, ठीक है। तो वो उसको भी क्या कर लेते हैं, जो चूंडा है, जो राणा चूंडा है, वो क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, आप इसका भी हम मान लेते हैं, आप अगर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देते हैं तो हम राणा चूंडा बोलते हैं कि ठीक है, मैं त्याग देता हूँ, मैं राज्य प्राप्त नहीं करूँगा, जो इनकी संतान होगी वो ही क्या होगी, आगे जो होगी मतलब राणा बनेगी, मतलब मेन जो चित्तौड़ है उनको मिलेगा,
ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि राणा लाखा का विवाह हो जाता है हंसाबाई से। और यहाँ पे शर्त क्या है कि राणा चूंडा को, जो चूंडा है उसको मतलब अधिक वो नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है, इसी कारण इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये प्रतिज्ञा लेते हैं, देखो पेपर में आता है कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था। आपको एक कहानी पता होगी कि महाभारत की कहानी है, हस्तिनापुर के एक राजा थे शांतनु, और उनको बुजुर्ग अवस्था में क्या हो गया था, एक जो स्त्री थी, जो राजकुमारी थी उनका, मतलब एक सत्यवती, उनसे क्या हो गया था, प्रेम हो गया था, वो उससे विवाह करना चाहते थे। जब सत्यवती के पिताजी आते हैं उनके पास, उनके दरबार में आते हैं, शांतनु के दरबार के पास, दरबार में आते हैं, तो क्या होता है कि देवव्रत, जो शांतनु जी का मतलब जो युवराज होता है, बेटा होता है देवव्रत, देवव्रत को ही भीष्म पितामह कहा गया है। ठीक है, देवव्रत से पूछते हैं कि अगर इन दोनों का विवाह होता है, शांतनु, राजा शांतनु और मेरी बेटी सत्यवती का विवाह होता है, तो राजा कौन बनेगा? राजा तो उसके बाद में आप बनेंगे, तो मेरी बेटी का क्या? तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपके जो इनसे सत्यवती से, और अगर शांतनु जब मेरे पिता से अगर जो बच्चे होंगे, जो मेरे सौतेले भाई बहन होंगे, वो ही जो बनेंगे आगे शासक बनेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मैं आज से विवाह नहीं करूंगा और मैं अपने राज्य को त्यागता हूँ। तो इसीलिए जो भीष्म, उनको आगे चल के क्या कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया। इसी कारण इनको, जो राणा चूंडा है, इन्होंने क्या किया था, राज्य को त्याग दिया था। ठीक है, तो अपने पिता के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का क्या कहा जाता है, भीष्म कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ राज्य त्यागा था, ऐसा नहीं कि विवाह नहीं कि इन्होंने आगे विवाह किया था। इनकी आगे जो जो वंश चलता है उनको चूंडावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? चूंडावत। ठीक है, अब देखिए राणा जो चूंडा है उन्होंने अपना राज्य जो त्याग तो दिया। ठीक है, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह भी हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक तरह से नाइंसाफी की बात हुई। अगर इनको चित्तौड़ नहीं मिल रहा, तो उनको कुछ मंत्रियों ने सोचा, सबने एक निर्णय लिया कि अगर राणा चूंडा अगर गद्दी पे नहीं बैठते हैं मेवाड़ की, तो इनको ऐसा तो कुछ करना चाहिए कि ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो एक तरह से उनके सम्मान के लिए हो, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्या दिया है, त्याग किया है। ठीक है, तो उनके लिए उनको कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो इनको क्या हुआ, देखिए ये मेवाड़ की रियासत है, यहाँ पर देखिए चित्तौड़ सबसे बड़ा है। ठीक है, अब चित्तौड़ के आसपास सारे छोटे छोटे गांव होते हैं। ठीक है, अब गांव में जो उनको क्या कहा जाता है, सामंत। तो अब देखिए इन, ये क्या बोलते हैं, जो गांवों को उस समय क्या बोला था, जागीर भी बोला जाता था। तो जागीर के सामंत होते थे, आपने सुना होगा जागीर दी जाती थी। तो सबसे बड़ी जो जागीर थी, सबसे बड़ी जागीर उस समय जो मेवाड़ की थी, वो थी सलूम्बर। कौन सी थी? सलूम्बर। ठीक है, वो अब किसको दी जाती है, चूंडा को दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और की जाती है, आगे हम पढ़ेंगे सलूम्बर का बहुत बहुत महत्व है, इसका नाम आप याद रखिएगा। सलूम्बर के जो सामंत होंगे, अब क्या इनको अधिकार दिया गया कि, अब देखो इनको राज्य तो नहीं मिला राणा चूंडा को, कि इनको एक अधिकार दिया गया कि अब जो भी मेवाड़ का राजा बनेगा उसका तिलक कौन करेंगे, सलूम्बर के सामंत। मतलब चूंडा के जो वंशज होंगे आगे, वही इसका तिलक करेंगे आगे। ठीक है, और इनको जितने भी राज्य के पत्र वगैरह होंगे उस पर राजा के हस्ताक्षर तो होंगे ही। ठीक है, मेवाड़ के राजा के हस्ताक्षर होंगे ही, लेकिन सलूम्बर की जागीर का जो सामंत होगा, ठीक है, अब सलूम्बर का किसके पास है, चूंडावत, जो चूंडा के वंशज हैं। ठीक है, तो सलूम्बर के जो जागीरदार होंगे वो भी क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। पहला तो दे दिया तिलक का, तिलक मतलब जो तिलक करेंगे, मतलब जो भी राजा बनेगा, राजा चुनने का अधिकार किनको दे दिया गया, देखो बहुत अच्छा, अगर राज्य नहीं मिल रहा तो राजा चुनने का अधिकार, राजा को कौन डिसाइड करेगा कि कौन मेवाड़ का राजा बनेगा, तो सलूम्बर के जागीरदार है ना, वो ही डिसाइड करेंगे कौन बनेगा राजा आगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर इनको हस्ताक्षर करने का भी अधिकार दे दिया गया, और अगर राणा राजधानी में नहीं है, मेवाड़ का राणा राजधानी में नहीं है, तो सलूम्बर के जागीर उसमें उसको संभालेंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटियां दे दी इनको, जब राणा चूंडा के जो वंशज थे, या राणा चूंडा को उस समय इतना दिया जाता है। ठीक है, ये सलूम्बर का हमारे समय में एक, देखिए अगर हम महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उस समय सलूम्बर के जो जागीरदार होते हैं, महाराणा प्रताप को वो कर देते हैं, मतलब राज्य दे देते हैं, मतलब उसका उनका राज तिलक कर देते हैं,
आगे हम पढ़ेंगे या हम आगे बढ़ेंगे, इसको अभी तक रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो सलूम्बर के जो हैं, जो सामंत है, जो जागीर उनको मिली है, सलूम्बर के जो लोग हैं वो है चूंडावत। चूंडावत मतलब चूंडा के वंश चूंडावत कहलाए, ठीक है। अब राणा चूंडा को जो सलूम्बर मिल गया है इस समय, ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना। यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई, आगे बढ़िए। अब देखिए हंसाबाई का जो विवाह हुआ था राणा लाखा से, अब उसके बाद में राणा लाखा का और राणा सॉरी हंसाबाई राणा लाखा और हंसाबाई राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन बनता है? मोकल। मोकल होता है वो शासक बनता है आगे, ठीक है। आगे राणा लाखा के बाद में मोकल बनता है जो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।